सो हे गाइस, फाइनली आई एम बैक विद द न्यू ब्लॉग। और जैसे कि आप देख रहे हैं राइडेक्स बाबुल, तो चैनल को सबसे पहले कर लीजिए सब्सक्राइब, जो कि गाइस आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बिल्कुल, उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट भी हो रहा हूँ एंड वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। बट अभी काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है क्योंकि इन दिनों गर्मियों की आप देख सकते सामने बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है, उस वजह से अभी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एंड शाम के 6-7 बजे तक एकदम बहुत तेज़ वाली धूप रहती है, और ऐसी धूप में निकलना यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। वीडियो बनाने आज फिर फाइनली हम निकले हैं, तो हम चल रहे हैं सिटी राइड पे, सिटी तरफ चलेंगे एंड वहाँ चल के थोड़ा बहुत घूमेंगे। तो आज हम सिर्फ राइड का मज़ा लेंगे। तो चैनल को ज़रूर आज सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को पूरा देखें गाइस, ताकि मेरे को अपने मोनेटाइजेशन के लिए जो अचीवमेंट करना है, जो यूट्यूब की शर्तें हैं उनको पूरा करना है, उसके लिए मेरे को काफ़ी हेल्प मिल सके आप सबसे। तो वीडियो को पूरा देखें एंड स्किप ना करें एंड चलो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस आ गए हम लोग अपने मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे, और आज हम चल रहे हैं राज भैया के कैफ़े। तो वहाँ पे सबसे पहले चलेंगे, चल के पहले तो कुछ खाएंगे और आपको दिखाऊंगा। बहुत प्यारा उनका कैफ़े है जबलपुर में, और बहुत अच्छी जगह पे, बहुत अच्छी लोकेशन पे है। अगर वहाँ चल के आपको बर्थडे वगैरह पार्टी कुछ भी बुक करना रहे तो आप यहाँ आ सकते हैं। सामने का वेदर वाव, ये होम साइंस वाली रोड, यहाँ पे एक अलग ही माहौल रहता है। फिलहाल इन दिनों कुछ काम वगैरह यहाँ पे चल रहे हैं कंस्ट्रक्शन के, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब डस्ट वगैरह पल्यूशन ज़्यादा होता है, बट ठीक है, काफ़ी अच्छी जगह है ये। एंड फाइनली हम भैया के कैफे आ गए हैं, तो सबसे पहले गाड़ी लगा के अंदर चलते हैं। और यूँ है कैफे, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ ये, तो यहाँ पे बर्थडे वगैरह का डेकोरेशन वगैरह होता है, तो आप जैसा मतलब ऑर्डर करेंगे वैसा भैया लोग डेकोरेशन करके आपको दे देते हैं। एंड बाहर की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे एक मिरर है जिसमें आप फोटोज़ वगैरह अपनी क्लिक कर सकते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग राज भैया के कैफ़े आ गए हैं, और जैसे कि आप पीछे सिनेमैटिक इन्जॉय करके समझ चुके होंगे, काफ़ी अच्छा कैफ़े है और काफ़ी सिटी के सेंटर में है, तो ज़्यादा यहाँ वहाँ भटकना भी नहीं पड़ता एंड काफ़ी अच्छी जगह है। तो मैं जैसे कि आपने अंदर सिनेमैटिक देख लिया होगा, तो अब यहाँ सबसे पहले हम कुछ खाएंगे, खाने के बाद फिर यहाँ से अलग चलेंगे क्योंकि धूप भी ख़त्म हो गई है। तो धूप ख़त्म हो गई तो फिर तो घूमेंगे, जाहिर सी बात है सिटी में, तो यहाँ से इसके बाद कहीं चलेंगे। तो सबसे पहले कुछ खा लेते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग को जो खाना था हमने खा लिया है, उसके बाद एकदम से ही देखिए ऐसा ही होता है डेली, पहले बहुत ज़्यादा तेज़ धूप रहती है, उसके बाद अचानक से पूरा डाउन हो जाता है, फिर वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एंड इतने टाइम काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी रहता है। तो चलो इससे आगे थोड़ा चलते हैं एंड वीडियो को करते कंप्लीट, तो थोड़ा और ट्राई करेंगे हम, और उसके बाद तो चल के यहाँ से फिर घर भी चलना है हम लोग को, काफ़ी टाइम नहीं होना चाहिए, तो आप आगे देख लीजिए वीडियो। सो फाइनली एवरीवन, इतने टाइम घूमने के लिए अपनी सिटी में सबसे बेस्ट जो जगह होती है टहलने के लिए, जॉगिंग वाला प्लेस, तो यहाँ से हम आ गए स्ट्रीट लाइट, और उसके लास्ट वाले, सबसे लास्ट वाले जो पार्ट में वहाँ पे हम लोग आए हैं। तो अब इस तरफ से आगे चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि आगे कितना ज़्यादा रस रहता, कितना ज़्यादा भीड़ रहता आगे, और कितनी सारी पब्लिक जो है शाम को यहाँ पे इकट्ठी होती है टहलने के लिए। एंड बहुत सारे बच्चे आपको दिखेंगे आगे खेल रहे होंगे बैडमिंटन, कोई म्यूजिक की प्रैक्टिस, डांस प्रैक्टिस करने के लिए, तो काफ़ी अच्छी जगह है। तो यहाँ से अपन आगे चलते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि आगे कितनी सारी भीड़ रहती है। क्या ही सीन लग रहा है गाइज, आप देख सकते हैं सामने, और ये कुछ बिल्डिंगों के बीच में ये टहलने के लिए बना दिया गया है स्ट्रीट लाइट। मेरी काफ़ी सारी पीछे जो वीडियो आप देखे होंगे यहाँ पे बनी है, एंड मेरी जो फर्स्ट वीडियो थी जो वायरल हुई थी अभी, उस पर समथिंग 16K मतलब होने वाले हैं, 16,000 कुछ, तो वो वीडियो यहीं की थी सबसे पहले, मैंने एक लड़की का यहीं पे शूट किया था तो उसकी वीडियो थी, तो यहाँ पे वायरल हो गई थी। तो चलते थोड़ा और आगे उसी वाली जगह पे जहाँ पे हमने उस लड़की का शूट किया था।
तो फाइनली गाइस हम लोग आ गए सबसे लास्ट वाले में, और जैसे कि मेरे पैर में आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको ये कुछ थीम्स वगैरह दिख रही होंगी, बाकी जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको तो वैसे ही पता ही होगा, क्योंकि यहाँ मैं 3-4 बार आ चुका हूँ, मेरी वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी। तो मैं आपको अब आगे बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो ये कुछ सीन है, एंड काफ़ी अभी जैसे दिन में दिख रहा था, अभी बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी और अब बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है। तो अपने साथ यही प्रॉब्लम हो रही है आजकल गर्मी में व्लॉगिंग करने में, कि पहले बहुत ज़्यादा धूप होती है, फिर उसके बाद डायरेक्ट बहुत सारा अंधेरा हो जाता है, एंड उस वजह से मैं वीडियो रेगुलर डाल नहीं पाता। वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, वीडियो परफेक्ट बन नहीं पाती, तो फिर सब कुछ अधूरा रह जाता है। और काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पे घर वगैरह बने हैं, आप देख सकते हैं। तो ये था, तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं जानता हूँ इसमें कुछ ज़्यादा कुछ तो था नहीं, बट ठीक है, ना डालने से अच्छा एक छोटी सी वीडियो सही। एंड कल संडे है, तो कल हम रिकॉर्ड करेंगे एक अच्छी वाली वीडियो, एक अच्छा सा टेम्पल है वो हम लेके जाएंगे आपको घुमाने। तो आई होप कि आपको आज वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें सभी फ्रेंडों में अपने, एंड सपोर्ट करें गाइस, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आजकल डिमोटिवेट हो रहा हूँ, तो आप सपोर्ट करेंगे तो मैं डिमोटिवेट नहीं होऊंगा, मोटिवेट होकर मैं अच्छी वीडियो बनाऊंगा। एंड कमेंट करेंगे नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ पर चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।